सड़कों के क्षेत्र में आज हिमाचल प्रदेश जो है वो बहुत विकसित है। और आज जैसे भी विक्रमादित्य सिंह जी ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। पिछले जो 3 महीने हैं वो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बहुत कठिन दौर से है। और हम सब ने अपने मुख्यमंत्री सुखेंद्र सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो एक साधारण है, जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित गाँव है, प्रभावित क्षेत्र है, उनको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। आज अगर किसी का घर टूट जाता था उसको 1 लाख रुपए मिल जाता है, आज वो राशि मुख्यमंत्री ने बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी। जब आदमी बेघर होता था मगर आज मुख्यमंत्री ने 50,000 रुपए जो है कपड़े हैं, रजाइयाँ हैं, घर के सामान, उसके लिए आपको 50,000 रुपए लगे। आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे गाठिया देवी का इलाका है, चाहे आपका महली का इलाका है, या और भी जो बाहर के इलाके हैं, इनको हर दृष्टिकोण से इंडस्ट्रियल तो आपका शौकी एरिया है, एस्टेब्लिशमेंट्स है, इन सब को हमको शिमला से आस्ते आस्ते बाहर करने की आवश्यकता है। और एक प्लान्ड मैनर में ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि उसका पूरा फायदा क्षेत्र के लोगों को भी मिले और शिमला जो है पूरे तरीके से कंजेस्टेड ना हो। अच्छा रहा। और अभी एक लंबा वीकेंड था, अगले कल भी छुट्टी है, पिछले कल भी छुट्टी थी, तो उसकी वजह से भी शिमला में करीबन 10,000 करोड़ रुपए का ओवरऑल एस्टिमेटेड नुकसान इस पूरे मंजर में हुआ, मगर फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी।